वेलकम बैक टू चैनल अगेन। और मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग यहां पे अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग यहां पे जनरली बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के स्ट्रेटजी के बारे में। ठीक है, ऑलरेडी आप यहां पे देख सकते हो, कल हमने आपको इस वेबसाइट पे बताया था कि कैसे आपको यहां पे किसी सेटअप को डिप्लॉय करना है। ठीक है, डिप्लॉय करना मतलब क्या, ये देखिए, हमने अभी तक आपको बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो, इसके इतने सारे सेटअप्स आपको एक्सप्लेन किए हैं, आपको लाइव मार्केट में करके बताए। और ये जो सेटअप्स हम लोग आपको बता रहे, इसको अगर आपको ट्राई करना है तो आपको यहाँ पे पेपर ट्रेड तो करना पड़ेगा। ठीक है, रियल मार्केट में करना है तो वो भी कर सकते हो, ये ऑप्शन यहाँ पे भी है, बट आप इसे जनरली पेपर ट्रेड यहाँ पे कर सकते हो। आपको क्या करना है, वो सेटअप यहाँ पे कॉन्फिगर करना है। ठीक है, जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी लॉस होगा, वो आपके सामने दिखेगा। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो, आज का दिन का ये डेटा है, बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी और निफ्टी की स्ट्रैटेजी। ठीक है, एक में 400 का प्रॉफिट है, दूसरे में 2700 का प्रॉफिट है, एक में 1000 रुपये का प्रॉफिट है और एक में 300 रुपये का। ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे 4 से 4500 का प्रॉफिट आज दिख रहा है। ठीक है, तो हमारे लिए ये इनफ है क्योंकि ये एक एक लॉट का डेटा है। ठीक है, एक एक लॉट में अगर आपको इतना प्रॉफिट हो रहा है तो आपको ये इनफ है। ठीक है, बाद में जब हम लॉट बढ़ाएंगे तो हमारा ये प्रॉफिट भी बढ़ेगा, लेकिन उसके लिए हमें पहले इसे एक महीने के लिए एक एक लॉट से बैक टेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने आपको एक्सप्लेन किया कि कैसे आपको सेटअप यहाँ पे डिप्लॉय करना है, आप कैसे स्ट्रैटेजी बनानी है। आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, रियल मार्केट में ट्रेड करने से पहले आप यहाँ पे ट्रेड कीजिए। आप देखिए यहाँ पे मैंने भी ऑलमोस्ट कितना यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, देखिए मंथली हमने यहाँ पे प्लान लिया है और 1300 रुपये का प्लान है। ठीक है, मंथली 1300 रुपये का प्लान है, इसमें देखिए मैंने, मुझे 250 बैक टेस्ट मिल रहे हैं। जो भी स्ट्रैटेजी मैं बनाता हूँ, जो भी हम लोग यहाँ पे मॉडिफिकेशंस करते हैं किसी सेटअप में, वो यहाँ पे मैं 250 बैक टेस्ट में कर सकता हूँ। ठीक है, और 4 लाइव डिप्लॉयमेंट ऑलरेडी हमने जो किए हैं वो हम लोग यहाँ पे कर सकते हो। अगर आपको ये करना है तो मैं आपको यहाँ पे कुछ कूपन्स दूंगा। ठीक है, कूपन के इस्तेमाल करने के बाद ये जो प्राइस है आपकी चेंज हो जाएगी। ये इन्वेस्टमेंट है फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट है। अगर आपको पेपर ट्रेड करना है तो आप कर भी सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे इसको क्यों यहाँ पे ट्राई करो, क्योंकि ये अल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। अगर बाद में मुझे ये सेटअप करना भी है तो मुझे मैनुअली करने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये दिख रहा है आपको ब्रोकर इंटीग्रेशन, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ से क्या करेगा, जो अपना डीमैट अकाउंट है मेरा जो भी रहेगा उसको वो लिंक करेगा। ठीक है, और वहाँ से वो डायरेक्टली वो ट्रेड करेगा, तो वो हेडेक ही नहीं रहेगा कि जाके ट्रेड बनाओ, टारगेट स्टॉप लॉस देखिए, जो भी कंप्लीट, वो सब हेडेक नहीं रहेगा। ये अपने आप यहाँ पे जो है अपना टारगेट बुक करेगा, स्टॉप लॉस बुक करेगा, काफ़ी सिंपल है। देखिए, कुछ सीखने के लिए आपको कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, और ये मैं नहीं मांग रहा हूँ, यहाँ पे जो ये प्लेटफॉर्म का फीस है, जिनको करना है आप कर सकते हो, जिनको यहाँ पे डिस्काउंट चाहिए तो मैं उनको ये दे सकता हूँ, हमारे पास कूपन्स अवेलेबल है। ठीक है, 1300 रुपये का जो प्लान है मंथली, वो लगभग 10% के डिस्काउंट पे उनको मिल जाएगा। जिनको भी करना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। तो चलिए हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी के चार्ट पे आएंगे। ठीक है, अभी देखिए बैंक निफ्टी के चार्ट पे हम लोग आ चुके हैं और ये ट्रेडिंग व्यू का यहाँ पे हमने चार्ट ओपन किया है। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू आप देख रहे हो यहाँ पे, tradingview.com। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसका भी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हो। ठीक है, ये देखिए मैसेजेस तो आ रहे हैं हमें, ये बेसिक प्लान है, बेसिक प्लान में हमें सिर्फ 2 इंडिकेटर हमें इस्तेमाल करने होते हैं। ठीक है, मतलब उनका यहाँ पे जो मैक्सिमम इंडिकेटर हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं वो 2 ही होते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ पे धन के प्लेटफॉर्म पे आएंगे तो यहाँ पे हम लोग देखिए ऑलमोस्ट हमने यहाँ पे 7 इंडिकेटर्स लगाए हैं। देखिए, एक इंडिकेटर, दूसरा इंडिकेटर, तीसरा, चौथा, 5, 6, 7, ऑलरेडी 7 से 8 इंडिकेटर हैं। तो यहाँ पे आपको रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो आप यहाँ पे भी अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर आपको प्रीमियम देके बाय करना ही है तो आप ट्रेडिंग व्यू पे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अभी हम लोग जाएंगे चार्ट पे ट्रेडिंग व्यू के, और यहाँ पे देखिए 2 इंडिकेटर्स हमने लगाए। ठीक है, पहले इंडिकेटर्स के बारे में भी बात करते हैं। काफ़ी लोग जो है काफ़ी टॉन्ट मारते हैं, कमेंट करते हैं कि यार इसने इंडिकेटर तो बताया नहीं, ये मैं बताया नहीं, शायद से भूल गया होगा, हम कमेंट करें इसलिए इसने बताया नहीं। ऐसा कुछ नहीं फ्रेंड्स, कभी कभी जो है काम के चक्कर में वो रह जाता है। वीडियो बना रहे हैं हम लोग, स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, सेटअप बता रहे हैं, इंडिकेटर बताने हमें क्या जाता है, इंडिकेटर बताने में हमारा क्या जाता है, कभी कभी भूल जाते हैं, कभी कभी रह जाता है। ठीक है, तो पहले भी इंडिकेटर ही बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो टाइम फ्रेम आपको 5 मिनट्स में करना है, और ये नॉर्मल कैंडल्स है, और इंडिकेटर्स यहाँ पे हमने 2 इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, ये है एक EMA, और दूसरा जो इंडिकेटर है वो है यस्टरडेज ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस एंड क्लोज प्राइस। ये आपको यहाँ पे इंडिकेटर सेक्शन में डालना है। ठीक है, ये देखिए मैं टाइप करता हूँ, यस्टरडे डाल देंगे तो यहाँ पे पूरा वो इंडिकेटर आ जाएगा। देखिए, यस्टरडेज ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस एंड क्लोज प्राइस,
ठीक है, ये इंडिकेटर आपको इस्तेमाल करना है। और सेकंड जो इंडिकेटर है वो यहाँ पे डिफॉल्ट EMA 9 है, ठीक है, क्लियर है, ये दोनों इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे लगाने हैं। अब एक सेटअप में हमने आपको कल बताया था कि कल जो 920 की कैंडल रहेगी, अगर उसका हाई ब्रेक होता है तो हमें कॉल साइड की ट्रेड बनानी है, अगर लो ब्रेक होता है तो हमें पुट साइड की ट्रेड बनानी है, ठीक है, ये कल का सेटअप है। तो यहाँ पे आप देखिए हाई ब्रेक हुआ है, राइट, 920 कैंडल का, ये देखिए यहाँ पे, लेकिन क्लोजिंग इसकी कहाँ पे मिली है, नीचे की मिली है। तो आपको ट्रेड कब लेना है, जब EMA के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी। तो यहाँ पे EMA के ऊपर क्लोजिंग कब मिली है, लगभग 10:15 को दिख रहा है आपको, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको यहाँ पे दिख जाए, दिख रहा है आपको, ये देखिए 10:15 को ये ग्रीन कैंडल ने 9 EMA के ऊपर क्लोजिंग दी है, इसका मतलब हमें यहाँ पे ट्रेड को प्लान करना है, ठीक है। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं लॉन्ग पोजीशन बनाऊँगा, ठीक है, लॉन्ग पोजीशन। हमारा जो स्टॉप लॉस आएगा वो, एक मिनट, हमारा जो स्टॉप लॉस आएगा वो आएगा लगभग 120 पॉइंट का, ठीक है, इंडेक्स में, चार्ट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, इंडेक्स में भी मैं आपको बताऊँगा कि कितने आपको यहाँ पे करना है। देखिए इंडेक्स में आपको यहाँ पे 1:2 का टारगेट प्लान करना है, मिल गया आपको 1:2 का टारगेट, ऑलमोस्ट 1:3 का भी टारगेट मिल चुका है, ठीक है। अभी इंडेक्स में हो चुका है आज के दिन, काफ़ी सारे लोग कमेंट्स आते हैं कि यार ये बाबा इंडेक्स में तो हुआ है, हमें ऑप्शंस के चार्ट पे बताइए, ऑप्शंस के चार्ट पे क्या इतना हमें 1:2 मिला है या नहीं मिला है। तो ये रेंज कितनी थी, ये देखिए 10:15 को 51,000 की यहाँ पे लेवल चल रही थी बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 51,000 का जो कॉल है 11 सितंबर, मतलब कल का ही, ठीक है, उसको ऐड कर लेंगे, ठीक है, कितने बजे, 10:15, ठीक है। तो 10:15 का आप देखिए यहाँ पे, ये देखिए 10:15 को यहाँ पे कितनी प्राइस थी, यहाँ पे लगभग इसी प्राइस थी 219 रुपये के आसपास, ठीक है, लॉन्ग पोजीशन। यहाँ पे स्टॉप लॉस तो आपका 60 पॉइंट का है और टारगेट 120 पॉइंट का है, कितने पॉइंट्स मिले आपको। अभी देखिए आपके सामने हमने इसको इवैल्यूएट किया है, 51,000 का कॉल 10:15 के बाद, ठीक है, अगर आपकी एंट्री लेट हो चुकी है तो फिर भी कोई बात नहीं, तो भी आपको यहाँ पे 170 पॉइंट्स मिले हैं, 130 पॉइंट, 140, 150, 160, 170 पॉइंट्स। तो हमेशा याद रखिए, जब भी आप ट्रेड बनाते हो, चाहे वो बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो, आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैनेज करना ही है कि अब चलो मैंने यहाँ पे 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा है तो मेरा 100 पॉइंट का टारगेट होना चाहिए, 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस है 120 पॉइंट का, 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो 140 का। इस तरीके से आपको ट्रेड को प्लान करना है। अगर आप छोड़ दोगे कि यार देखते आज कितना मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, तो मैक्सिमम प्रॉफिट हर दिन नहीं होगा फ्रेंड्स, मार्केट हर दिन ट्रेंडिंग नहीं रहता है। तो जब आप यहाँ पे सिस्टमैटिक तरीके से विड्रॉल करना सीख जाओगे कि मुझे यहाँ पे बुक करना ही करना है, ठीक है, मार्केट अगर आप नहीं बुक करोगे, आपकी जो ट्रेड है जो प्रॉफिट में जा रही है वो लॉस में जाने में टाइम नहीं लगेगा फ्रेंड्स, टाइम नहीं लगेगा। तो जितना आपने यहाँ पे डिसाइड किया है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, उसको फॉलो कीजिए। अगर आपने डिसाइड नहीं किया है तो ट्रेड बनाइए मत, मैं आपको फ्रैंकली बोल रहा हूँ। अगर आपने प्लान नहीं किया है कि आपको ट्रेड में कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस देना है, कितने पॉइंट का टारगेट देना है, तो आप उस ट्रेड में एंट्री मत कीजिए। चाहिए तो आप पेपर ट्रेड कीजिए या आप यहाँ पे लिख के देखिए कि मेरी यहाँ पे पोजीशन बनी थी, इतना मेरा टारगेट था, इतना मेरा स्टॉप लॉस था, ठीक है। रियल मार्केट में ट्रेड मत कीजिए जब तक आपका यहाँ पे फिक्स नहीं होता है कि मेरा इतना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, ठीक है। अभी ये तो कल का सेटअप था, ठीक है, अभी दो आप बोलोगे कि ये आज के लिए नया क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, ये जो इंडिकेटर्स हमने लगाए हैं, एक तो 9 EMA आपको पता ही है, ठीक है, जो दूसरा है वो है यस्टरडेज ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस एंड क्लोज प्राइस, ठीक है, फिर से दिखाता हूँ, नहीं तो बाद में लोग बोलेंगे यार दिखाया भी नहीं,
ये देखिए येस्टरडेज ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस एंड क्लोज प्राइस, ठीक है। तो ये जो चारों लेवल्स हैं, आप हमेशा याद रखिए इन चारों लेवल्स पे आपको एक तो सपोर्ट दिखता है बैंक निफ्टी में, या यहाँ पे एज ए रेजिस्टेंस दिखता है, ठीक है। आज क्या हुआ, ये देखिए ये क्लोजिंग प्राइस है कल की, ठीक है, ये कल की क्लोजिंग प्राइस है, ठीक है, दिख रहा है आपको। और लो तो काफ़ी नीचे है, तो कोई मतलब ही नहीं लो को देख के। क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक किया, राइट, ये देखिए कितने बजे, लगभग 9:50 को, ठीक है, क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक किया। काफ़ी लोगों को क्या लगा रहेगा, अरे क्लोजिंग प्राइस तो ब्रेक हुई है, मतलब यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आया, सेलर्स यहाँ पे रिटेलर्स आ गए, आप और हमारे जैसे रिटेलर्स यहाँ पे घुस जाएंगे, ठीक है। उससे क्या होगा, उससे होगा कि जब हम लोग यहाँ पे पुट खरीदेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे लगेगा, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे लगेगा, एक लेवल यहाँ पे लगेगा और यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तीन टाइप के लोग होते हैं जो यहाँ पे 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखते हैं, 1:2 का रखते हैं, 1:3 का लगता है, ठीक है। तो देखिए जनरली ये तीनों लेवल्स पे आपके स्टॉप लॉसेस बैठ जाते हैं। मार्केट ने क्या किया, लो ब्रेक किया, आपको ट्रैप किया, फिर से कल के क्लोजिंग प्राइस पे यहाँ पे सपोर्ट लिया और बूम हो गया मार्केट। कौन से लेवल से, कल के क्लोजिंग प्राइस से, देख लिए, ठीक है। ये आपको एनालाइज करना होता है, ये देखिए स्टॉप लॉस भी आप लगा हुए तो कितना लगा हुआ, आपको मालूम है कि 100 पॉइंट 120 पॉइंट्स इंडेक्स में और ऑप्शन के चार्ट में 50, 55, 60, 70 पॉइंट्स बहुत हो चुके हैं बैंक निफ्टी में एट डाउन में, ठीक है। ये देखिए उन्हीं लेवल्स को ट्रैप किया नहीं मार्केट ने, किया कि नहीं किया, तो ये एक दिन का सिनेरियो, आप जाके देखिए चार्ट पे, आप जाके देखिए, ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये देखिए मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है। ये देखिए एक दिन पहले का लो है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, एक दिन पहले का लो है, एक मिनट, एक दिन पहले का लो है, ब्रेक किया, काफ़ी लोगों को लगा सेलिंग हुई है, ट्रैप किया, मार्केट ऊपर, कल के क्लोजिंग प्राइस से सपोर्ट और मार्केट ऊपर। तो ये लेवल्स आपको हमेशा बचाती हैं, ठीक है। ये देखिए ये क्या है, ये देखिए यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, कहाँ तक आया, कल के लो तक आया से मार्केट नीचे। और काफ़ी बार आपको ऐसा दिखता है कि मार्केट अगर कल के हाई एंड लो के बीच में है तो मार्केट जो है साइडवेज हो जाता है। ये देखिए हुआ कि नहीं हुआ है। और कुछ ऐसे दिन देंगे जहाँ पे आपको कुछ भी यहाँ पे करके मतलब नहीं। यहाँ पे देखिए दिख रहा है कल का लो, सपोर्ट लिया, काफ़ी बार यहाँ पे जो है घूम रहा था, देखिए काफ़ी बार, ये देखिए, और यहाँ पे एक मोमेंट मिल गए। तो इस तरीके से आपको जो है ट्रेड्स को प्लान करना है, इस तरीके से आपको इंडिकेटर्स को इस्तेमाल करना है, ठीक है। यस्टरडेज ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस, ठीक है, ये जो डेटा है ये पहले एक दिन पहले का होता है, ठीक है। काफ़ी लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हमें ट्रैक कैसे करना, तो यहाँ पर देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ आज का जो ओपन प्राइस है, हाई प्राइस यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ओपन प्राइस है, यहाँ पे हाई प्राइस है, ठीक है। तो ये जो है ये कल के लिए सेटअप है। अभी मार्केट कहाँ पे ओपन होता है तो वहाँ हम लोग यहाँ पे ट्रेड को प्लान, अगर मार्केट समझो यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, यहाँ से अगर नीचे गया तो क्या लोग बोलेंगे, यार कल का लो ब्रेक किया, सेलर्स यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है, उनके स्टॉप लॉस हंट करने के लिए मार्केट फिर से यहाँ तक आ सकता है, कहाँ तक, यहाँ तक क्लोजिंग प्राइस तक, क्योंकि ये कल का हम लोग यहाँ पे एक ऐसे ही सिनेरियो बता रहे, कल ऐसा ही होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, बट हमें यहाँ पे थोड़ा सा एक प्रिडिक्शन करना होता है, राइट। ये इंडिकेटर का नाम क्या है, यस्टरडेज ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस एंड क्लोज प्राइस। अभी जिनको ये इंडिकेटर कल मार्केट में देखना है कि क्या कैसे ये काम करता है, तो कमेंट आपकी हमें आज आनी चाहिए कि ये जो इंडिकेटर है यस्टरडेज ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस, क्लोज प्राइस, इसको लेके कल हमें लाइव मार्केट में सिखाइए, तो मैं ज़रूर आपके लिए ये सेटअप लाइव मार्केट में सिखाऊंगा आपका कमेंट आने के बाद।
ठीक है, आपका कमेंट आने के बाद। तो जितने लोग यहाँ पे कमेंट करेंगे उतना मैं यहाँ पे मोटिवेट होऊंगा और जल्दी जल्दी इसे लाइव मार्केट में आपको सिखाने के लिए ट्राई करूँगा। ठीक है, आई होप आपको आज का ये वीडियो है वो पसंद आया होगा, और कुछ भी डाउट्स रहेगा तो आप कमेंट तो ज़रूर कर सकते हैं या हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो। आई होप आपको आज का वीडियो समझ गया होगा। जो भी आपकी क्वेरी होगी, जो भी आपकी क्वेश्चंस होगी, तो उसके बारे में हम लोग ज़रूर बात करेंगे, लेकिन आपको एटलीस्ट इसका आइडिया आएगा कि ऐसे आपको इस सेटअप को काम करना है, कैसे आपको इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करना है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे विद न्यू ट्रेड न्यू सेटअप, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।